जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त नईम हनीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि ईसी मेंबर हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, जबकि तनवीर जट साहब जो कि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से जो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की लाइन है, यहाँ से कुछ ऐसे एलिगेशन कह लें या फिर उनके तहफ़ुज़ात, अगर सही लफ्जों में हम बयान करें तो तहफ़ुज़ात जो है वो आ रहे हैं, तो उनका जवाब हम यहाँ से ले लेते हैं। हनीफ साहब, नईम साहब, क्या आप कहेंगे? वो कहते हैं कि इसी मेंबरान के लिए फ्लोर दूर की बात है, कमरे भी नहीं हुआ है सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अभी तक गैर हतमी जो नतायज आए हैं उसके मुताबिक प्या फाउंडर अलायंस 1000 की लीड पर है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका जवाब यही है कि ताजर बरदरी किसको सपोर्ट करती है, ताजर बरदरी के मसाइल कौन हल करता है, और जहाँ पर इज्जत की बात है, अगर इज्जत नहीं दी जाती तो ताजर बरदरी इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है मोहब्बत की सूरत में इतना वोट क्यों डालते हैं। दूसरा आपने सवाल किया जी, जहाँ पर हमारे भाई ने पूछा जी इसी मेंबर को जो है रूम नहीं दिया जाता, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेजिडेंट साहब का रूम है, SVP का, VP का जो रूम है, वो बेसिकली इसी के लिए ही है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए पहले तो आप इसी में आएँ, फिर आपको हक मिलेगा कि इन ऑफिसज में जाएँ, आप जाके इज्जत कमाएँ। तो मेरे ख्याल से कि आज का जो इलेक्शन है वो इस चीज़ की तस्दीक करता है कि ताजर बरादरी बेसिकली स्टैंड किसके साथ करती है। स्टैंड किसके साथ, ये तो बात तो सच है, मगर बात है रिसवाई की। अगर प्या फाउंडर अलायंस को वोट मिलते हैं तो इसका मतलब यही है कि ताजर बरादरी कौन सी जमात के साथ, कौन सी पार्टी के साथ स्टैंड करती है। पहले मेरा जवाब ले लें, मेरे भाई ने जिस तरह मेरे दूसरे भाई ने बताया कि मैं यानी कि खानदानी मरूसी सियासत की वजह से मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अच्छा। इसी तरह ये मेरे छोटे से भाई हैं और बहुत प्यारे भाई हैं। मैं 3 दफ़ा MC मेंबर रह चुका हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 3 दफ़ा सेंट्रल चेयरमैन रह चुका हूँ पाकिस्तान हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, और 6 साल से मैं IHA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर एसोसिएशन का पूरे एशिया रीजन का डायरेक्टर हूँ। ठीक है जी, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई ने बड़ा अच्छा बताया है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनके कमरे इनके कमरे हैं। मैं आपको ये हकीकत बताता हूँ कि इस चैम्बर में ऑफिस बेरर के लिए कमरा ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाई ने ये जवाब नहीं दिया कि EC रूम जो 2nd फ्लोर पर था, जो हमारे दौर में बनाया गया था, वो इसी मेरी बात सुने, ये तो आपके तहफ़ुज़ात है, वो बैठ के भी ये इधर बैठ के देखे, मेरी बात सुने, मेरी बात एक बात 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 तो सुनिए, बात सुनिए। अच्छा, अगर आपको रूम्स का इशू है, फ्लोर का इशू है, क्या बैठ के टेबल टॉक करके ये इश्यूज हल नहीं हो सकते? अच्छा, ये इश्यूज टेबल टॉक करके हल नहीं हो सकते? छोटी छोटी बात है कि एक रूम मिलना है या नहीं मिलना। दरअसल जो निकलते हैं फाउंडर से और प्याप से, दरअसल उनके इतराज आते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल शेख मोहम्मद आसिफ फॉर्मर प्रेसिडेंट का बेटा हूं, मैं बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट था। आज तक 100 इलेक्शंस हो चुके हैं, 300 ऑफिस बेरर्स आए हैं, उसमें से 6 सिर्फ आए हैं और प्रेसिडेंट्स के बेटे। क्या प्रेसिडेंट का बेटा इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो प्रेसिडेंट बन सके? मैं अपनी कैपेबिलिटी पे आया हूँ, पिछले 6 साल से फेडरेशन की टैक्सेशन की कमेटी मेरे पास है। ये जो इश्यूज हैं, ये जो निकलते हैं, ये लोग जो फाउंडर्स अलायंस से निकलते हैं लोग, जो कि इन्होंने कहा ये इसलिए निकलते हैं, ये कहते हैं कि हमें आप ऑफिस बेरर बनाए। अगर जैसा कि इन्होंने ये कहा कि 2010 में ये प्याफ से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, इनके दौर में बना था, तो फिर क्यों निकले? जब आप 3 दफा इसी में रहे हैं प्याफ की, तो आप क्यों निकले हैं? इसलिए कि ये लोग ये कहते हैं कि हमें आप ऑफिस बेरर बनाए। ऑफिस बेरर का फैसला हमारी सुपीरियर सुप्रीम काउंसिल करती है, प्याफ की और फाउंडर्स की लीडरशिप करती है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना। भाई अब अगर नहीं, जिनको नहीं बनाया जाता, बहुत से हर साल बहुत से, इस साल भी बहुत से लोग नाराज होकर निकले हैं, आवाज बुलंद कर, इसलिए कि नहीं जी हमें आप इसी दें, हमें आप सीट दें। जिसको सीट नहीं मिलती है वो नाराज होकर दूसरे ग्रुप में चला जाता है, बल्कि उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये तो बहुत अच्छा किया इन्होंने काम कि इन्होंने दूसरा ग्रुप बना लिया, ताकि वो सारे जो निकलता है, जो नाराज होता है, वो इनके पास आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई वोट नहीं है। देखें, जहां तक ये वोट, अल्टीमेटली जो अपोजिशन है उसको काम करना चाहिए,
सर थैंक यू वेरी मच। ले जी जो मिठाई जो है वो आ चुकी है, मैं चाहूंगी कि आप भी कैमरा में आ जाए और दिखाएं कि आप जो मिठाई लेकर आए हैं। तो ये जो है अभी जो रिजल्ट है उसके आने से पहले, जो हतमी रिजल्ट है उसके आने से पहले यहाँ पर जो मिठाई है वो तकसीम हो रही है। अच्छा ये मिठाई खा लें, हम यहाँ पे आते हैं जट साहब, क्योंकि आपने बहुत बात की जट साहब को, अब हम माइक हैंड ओवर करेंगे। जट साहब इनके अलावा क्या इश्यूज हैं जो हमने देखा, ऑफिस हमें सीट दें, ये जो जितनी भी चीजें हैं जितने पर शोर है, इसके अलावा और क्या तहफ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया, मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, मैं नतज पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। एक तो मैं अपना तारफ़ करवा दूँ, मैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का प्रेजिडेंट हूँ, पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तमीर अहमद जाट मेरा नाम है। हमने लाहौर बिजनेसमैन फ्रेंड को के अलायंस का हम हिस्सा थे, उनको हमने वोट सपोर्ट किया है। आप सियासी नुक्ता नज़र से आप अगर देखें तो कल के जो नतायज हैं और आज के जो नतायज हैं, और आप उनको 20 साल हो गए इकतदार में, इनका तीसरा साल है, तो ये खौफनाक नतायज हैं। आइंदा आने वाले वक्त में प्याफ फाउंडर अलायंस अपने आप को शिकस्त में तस्लीम करे, और सियासी नुक्ता नज़र से ये नतायज प्याफ फाउंडर के लिए खतरनाक हैं। इसका मतलब है आप ये जो बातें कर रहे हैं ये तो आपको यकीन होगा कि जमहूरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये इश्यूज पे बात मेरे भाई टेक्निकली करेंगे, बहरहाल हम बस ये उम्मीद तो है कि आप आने वाले दिनों में आगे आ सकते हैं। ये तो नहीं है कोई बैरियर्स हैं, कोई रुकावटें हैं कि आपको ऐसी फोर्स है जो आगे नहीं आने देगी? इश्यूज बैरियर तो हमें नजर नहीं आए, क्योंकि जो मकबूल बात है वो करनी चाहिए, वो गलत बात है, हम कहें जी बैरियर लगे हुए हैं। मगर ये आपको मैं बता दूं कि मैं एडवांस मुबारकबाद आइंदा साल के लिए दे सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट अपना भरपूर करदार अदा करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने जो है मिठाई भी तकसीम होते यहाँ देखी है, और प्याफ फाउंडर अलायंस की जानिब से जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, और अभी गैर हतमी नतज के मुताबिक प्याफ फाउंडर अलायंस जो एक मरतबा फिर कामयाबी समेटने में काम हुई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं बात शुरू करूंगी। नई हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिनी बजट पेश किया गया असद उमर साहब की जानिब से। इकतसादी तौर पर, मौशी तौर पर पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ आप कंपेयर करेंगे? एक स्टेटमेंट आज मैं पढ़ रही थी आने से पहले प्रोग्राम की तैयारी में कि जो लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नाइजीरिया से कंपेयर करती है, नाइजीरिया जैसे कंट्री से, तो हमें फिर हम तो बहुत दूर हैं अभी ऊपर जाने के लिए। देखें बात यह है कि हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम इक्तसादी तौर पे बहुत पीछे हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत गिर गए हैं, इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, हमारे टैक्सेशन के इश्यूज जो हैं वो इंटरनली रिजॉल्व नहीं हो रहे, हमारे जो अपने डॉलर के रिजर्व्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट मुल्क में नहीं आ रही है, आपकी जो बाहर पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं वो पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। अब ये इश्यूज, अब जब अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ती जाएंगी और आपकी इंडस्ट्री नहीं बेहतर होगी, तो अल्टीमेटली हमारे यही हालात होंगे, डेफिसिट्स बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जी हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है, जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक हमारी लेबर को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे। और ये बात एक बहुत वाजे सी है कि हमें सस्ती इनपुट कॉस्ट देने हैं, आपको सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, अगर आप महंगी बिजली देंगे, महंगा गैस। अच्छा आप सस्ती बिजली सस्ती गैस की बात कर रहे हैं, और अभी मिठाई जो आपने तकसीम किया है उससे हमें अंदाजा हो गया आप इकतदार में आने वाले हैं, भागदौड़ आपने संभालनी है, आपके शोल्डर पे बहुत भारी जिम्मेदारी होगी। किस तरह का लाहे अमल अपनाएंगे, क्या आप इस तरह का मैकेनिज्म अपनाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो पाकिस्तान इकतसादी तौर पर डूब रहा है उसको निकालना है, उस कश्ती को हमने दोबारा से फ्लोट करवाना। अल्टीमेटली हमारा जो पिछले कई सालों से, बल्कि ये गवर्नमेंट भी जो है, एक जो लाहौर चैम्बर का काम क्या होता है, लाहौर चैम्बर इज अ बॉडी बिटवीन द ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड द गवर्नमेंट। हमने ना एसआरओ इशू करना होता है, ना हमने कोई पॉलिसी इशू करनी होती है, हमने तमाम तहफ्फुज़ात पॉलिसी मेकिंग में अहम किरदार अदा करना है, इन द पॉलिसी मेकिंग हमने अपने प्रेजेंस भी कोई मायने नहीं रखती, बिल्कुल होती है, हमने अपने प्रपोजल्स देने होते हैं, हमने बजट में अपने प्रपोजल्स देने होते हैं, करते हैं अपने प्रपोजल्स देने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं उस तरह से माने जाते हैं। अगर ये गवर्नमेंट भी हमारे प्रपोजल्स उस तरह से नहीं मानेगी तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब फेडरेशन चैम्बर्स जो इश्यूज कहते हैं कि आपने फाइलर्स नॉन फाइलर्स टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं, अगर आप सिर्फ उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे, छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिनी बजट आया है मेरा, हम वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
लेकिन मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि गवर्नमेंट ने फेडरेशन को, चैम्बर्स को, एसोसिएशन को क्या अपने साथ बैठाया? स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं बैठाया। अगर जब तक स्टेक होल्डर्स को, एसोसिएशन को, चैम्बर्स को, फेडरेशन को आप नहीं बैठे, माजी की बात भी बता दीजिए, ब्रेक लूंगी, डिटेल्स में जाएंगे ब्रेक के बाद। ये बताइए, माजी की जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनका रुझान क्या था? देखें, मुस्लिम लीग नून का परसेप्शन ऐसा है कि दे आर प्रो बिजनेसमैन, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है मेकिंग में, कि पॉलिसी मेकिंग में उन्होंने भी हमें साथ नहीं लिया, नहीं लिया बजट मेकिंग में, प्रपोजल्स में। इतने इश्यूज हैं कि मैं 10 घंटे बात कर सकता हूं टैक्सेशन के इश्यूज पे, लेकिन हमारी नहीं सुनी जाती। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि जब तक स्टेक होल्डर्स को, जब तक एसोसिएशंस को, जब तक फेडरेशंस को आप साथ नहीं लेंगे, नहीं टैक्स बेस बढ़ेगा, नहीं हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अभी आपकी जानने वाली हूँ मदनी, ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि फाउंडर अलायंस, क्योंकि अभी जो हम यहाँ सूरत हाल देख रहे हैं, गैर हतमी ही सही लेकिन जीते नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने जो अपने एक तहफात रखे हैं कि ना तो पिछली गवर्नमेंट ने, ना ही मौजूदा गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग में इनको आगे किया, जो कि जरूरत इस अमर की है कि इकतदारी तौर पर हमें अपना जो सोसाइटी है उसको आगे लेकर जाना है, तो पॉलिसी मेकिंग में टेक्नोक्रेट्स हैं, इनको आगे आने की जरूरत है। असल में जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसका अलमिया ये था कि ताजरों, वो समझा ये जाता था कि वो ताजरों की हुकूमत है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की 90s की अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शटर पावर उनके पास थी, शटर पावर ताजरों की पावर है, लेकिन इस जो इनका टेन्योर था इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। एक छोटा सा टैक्स है 0.06% विद होल्डिंग टैक्स, वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका, वो सिर्फ एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा टैक्स है, जिस जो कि उसका इम्पैक्ट कारोबार पे बहुत ज़्यादा है। मदनी मुझे इजाज़त दीजिए एक ब्रेक की, आपने विद होल्डिंग टैक्स की बात की, अगर हम शरीफ रहमान की बात करें और हम शहबाज शरीफ साहब की बात करें, तो मिनी बजट के ऊपर जो अपोजिशन ने स्ट्रॉन्ग रद्द अमल का इजहार किया है, वही अभी मिनी बजट के ऊपर हमने बात करनी है कि जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो किस तरह के रद्द अमल का इजहार करती है। एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के लेकर दोबारा से आगाज करेंगे।